नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश को लॉकडाउन का फायदा मिला है। देश में 80% मरीज हो रहे हैं ठीक। पिछले 24 घंटा में 23 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि साइंस एंड टेक का रिव्यू किया जा रहा है। हमारे लक्ष्य फोकस है, वैक्सीन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हम जल्द से जल्द बनाकर आम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिनों तक झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक SD कोटाल ने बताया कि 18 अप्रैल को राज्य के मध्य व दक्षिणी भाग में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। रांची में 3 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 32 हो चुका है। नए मामला में 1 हिंद पीढ़ी तथा 2 रांची के ही आज़ाद बस्ती से है। इसकी पुष्टि रिम्स निदेशक ने किया। साथ ही हजारीबाग, पलामू और दुमका में भी शुरू होगी जांच। यह फैसला प्रवासी मजदूरों को वापसी में जांच को लेकर किया गया। हेमंत सोरेन ने शुरू किया मुख्यमंत्री राशन योजना। इस योजना के तहत राशन का वितरण कंटेनमेंट जोन में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी सरकार का लक्ष्य है कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जंग में सभी को मिलकर लड़ना है। लोगों से अपील की कि राज्य में संक्रमण को ख़त्म करने में सभी का सहयोग जरूरी है। झारखंड में सबको मिलेगा PDS का राशन। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी करने की घोषणा की है। राज्य में सभी लोगों को राशन दिया जाएगा। जिन्हें राशन लेना होगा लेंगे, जिन्हें राशन नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। CM ने कहा कि सरकार किसी भी झारखंडी को भूखा नहीं सोने देगी। मजदूरों को ऐप की मदद से मिलेगी 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्य में फंसे झारखंड के मजदूरों को अगले 1 हफ्ते में 1,000 रुपये आर्थिक मदद देगी। यह राशि प्रवासी मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि प्रवासी मजदूरों का कहना है कि यह राशि ऊँट के मुँह में जीरा देने के समान है। उनका कहना है कि इस 1,000 रुपये से हम लोग रूम का किराया देंगे या खाना का राशन लेंगे। मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच प्रक्रिया अभी शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में अब कॉपी जांच की प्रक्रिया 3 मई तक स्थगित कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जैक ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मजदूरों का सब्र टूटता जा रहा है। लॉकडाउन समय अवधि बढ़ने के बाद मजदूरों की चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, इस पर सरकार चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा के विधायक भानु प्रताप ने मजदूरों को मदद दिलाने के लिए उपवास पर बैठे हैं। विधायक भानु प्रताप का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों की मदद नहीं कर रही है। संक्रमण के खिलाफ जंग तेज करने के लिए झारखंड सरकार ने बनाई 6 रणनीति। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को लौटने की संभावना को देखते हुए 6 रणनीति बनाई है। इसमें टेस्ट रणनीति, क्वारंटाइन रणनीति, रिलीफ रणनीति, लॉ एंड ऑर्डर रणनीति के साथ रोजगार और स्वास्थ्य कर्मियों को सुविधा सुरक्षा का घेरा तत्काल तैयार करने को कहा है। झारखंड लौटने वाले मजदूरों का होगा बॉर्डर पर मेडिकल टेस्ट। खबरों के अनुसार लॉकडाउन हटने के बाद झारखंड लौटने वाले हर व्यक्ति का राज्य की सीमाओं पर कैंप लगाकर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाएगा। 20 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। नेगेटिव रिपोर्ट वाले को घर के क्वारंटाइन और पॉजिटिव रिपोर्ट को सरकार के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए और वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।